ध्यान दीजिएगा, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ध्यान दीजिएगा, आज का लेक्चर है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको हम लोग VBT भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, दो साइंटिस्ट थे, VBT डेवलप्ड बाय दो साइंटिस्ट थे, हिटलर एंड लंदन। दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने VBT को डेवलप किया। VBT ठीक उसी तरीके से जैसे लुइस सिंबल किस तरीके से बॉन्डिंग हो रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, ड्यूएट कंप्लीट होना चाहिए, तो उसके वजह से क्या हो रहा है, बॉन्डिंग हो रहा है। फिर उसी तरीके से भी एक MOT है, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, वो भी एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग से रिलेटेड ही क्या है, उसके अंदर में भी वही चीज़ है कि किस तरीके से दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ रहा है। और फिर ये तीसरा थ्योरी दिया गया है इसी के ऊपर कि किस तरीके से दो एटम आपस में जुड़ करके बॉन्डिंग बना रहा है, जो हम अभी तक लुइस स्ट्रक्चर में देखे थे। तो ये लुइस स्ट्रक्चर से थोड़ा हट करके था, लेकिन बहुत ज़्यादा ये सक्सेस हुआ नहीं, लेकिन आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है, समझ पा रहे हो। तो जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ एक एग्जाम्पल से शुरुआत करेंगे, इसी एक ही मॉडल पर यह सारा दिया हुआ है। VBT देखो, तुम्हारे पास हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन गैस है, तो ये हाइड्रोजन गैस आखिर बना किससे है, तो ऑब्वियस सा बात है इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन होगा, और ये शेयरिंग किया होगा, अपना ड्यूएट कंप्लीट किया होगा, समझ पा रहे हो। तो क्या बन गया होगा अपना, बोलो, तब ये जा करके क्या बनाया है, तब ये जा करके बोलो बॉन्डिंग बनाया और H2 आपस में ज्वाइन हो गया, मतलब H आपस में ज्वाइन हो गया, क्या बन गया, बोलो H2 बन गया, समझ पा रहे हो बात को। तो ये लुइस का स्ट्रक्चर था, लेकिन VBT में क्या माना जाता है इसको जरा सा समझिएगा। VBT में पूरा एटम का मॉडल को कंसिडर करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ध्यान दीजिएगा, सपोज आपके पास एक हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के पास आप क्या क्या देखते हैं, हाइड्रोजन को जब आप देखिएगा तो हाइड्रोजन के अंदर में एक प्रोटोन होता है, और हाइड्रोजन के बाहर परिक्रमा करता है कौन, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव होता है, और प्रोटोन का चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, ये आपको पता है। ठीक है, एक और हाइड्रोजन है, ये यहाँ से आएगा, इसके पास भी प्रोटॉन है और साथ में क्या है, साथ में इलेक्ट्रॉन है, समझ पा रहे हो, प्रोटॉन पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, समझ पा रहे हो। अब ये आपस में बॉन्डिंग कैसे कर रहा है इसको जरा सा समझिएगा। इस हाइड्रोजन को आप मानिए हाइड्रोजन ए, इस हाइड्रोजन को मानिए हाइड्रोजन बी, इस प्रोटीन को मानिए PA और इलेक्ट्रॉन का मानिए EA, यहाँ पे इस प्रोटॉन को मानिए PB और इस इलेक्ट्रॉन को मानिए EB, समझ पा रहे हो। अब इन दोनों को पास लेके आएंगे, क्या करेंगे, पास लेकर के आएंगे, जैसे ही ये दोनों हाइड्रोजन का एटम पास में आएगा, तो पास में आते ही क्या आप देखोगे, ये प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे भी एटम है, ये इसका प्रोटॉन है, और ये बोलिए इसका इलेक्ट्रॉन है, देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत। तो अब क्या हो रहा है, ये दोनों जब पास में आया है तो क्या आप देखोगे, आप ये देखोगे कि ये आपस में ये अपने इलेक्ट्रॉन को तो होल्ड करा ही है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, होल्ड कर ही रहा है, ये प्रोटॉन अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, होल्ड करके रखेगा,
अब ये सवाल है, प्रोटॉन पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, अपने इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखेगा ना, नहीं तो इलेक्ट्रॉन बाहर। ये भी क्या होगा, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, होल्ड करके रखेगा। ये ओल्डर फोर्सेस है, कौन सा फोर्स है, ओल्डर फोर्सेस, पुराना फोर्स है, मतलब इन दोनों के पास आने से पहले ही से क्या था, ये पहले ही से लग रहा था, समझ पा रहे हो। जैसे पास आया तो एक और फोर्स लगना शुरू हो गया, एक और अट्रैक्टिव फोर्स लगना शुरू हो गया। कौन सा अट्रैक्टिव फोर्स लगना शुरू होगा, इसको जरा से देखो। इसका न्यूक्लियस यानी प्रोटॉन का पॉजिटिव, इस हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव को क्या करेगा, बोलो, अट्रैक्ट करेगा। समझ पा रहे हो, क्या करेगा, ये इस तरीके से अट्रैक्ट करेगा, कोई दिक्कत। और साइमल्टेनियसली इस यानी हाइड्रोजन ए का प्रोटॉन हाइड्रोजन बी के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो इस वाले फोर्स को हम लोग बोलते हैं न्यू अट्रैक्टिव फोर्स, क्या बोलेंगे, न्यू अट्रैक्टिव फोर्स, समझ पा रहे हो। और ये ग्रीन वाला जो है, इस ग्रीन वाले को क्या कहेंगे, बोलो, जो पहले से लगा है, इसको बोलेंगे ओल्ड अट्रैक्टिव फोर्स। यानी ये दोनों के आने से पहले वो लग रहा था और अभी भी लग रहा है, समझ पा रहे हो बात को। लेकिन जब दोनों पास आया है तो इसका प्रोटॉन इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, और इसका सॉरी इसका प्रोटॉन इसके इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, समझ पा रहे हो। ये अट्रैक्ट करके पास आएगा, अट्रैक्ट करके क्या करेगा, पास आएगा, लेकिन बहुत पास भी नहीं आ पाएगा। आप देखो, ये हम लोग एक दूसरे को जब जोड़े हैं तो कुछ डिस्टेंस रखे हैं, क्या रखे हैं, कुछ डिस्टेंस रखे हैं। इसी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ बोलेंगे, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे आगे, ठीक है ना, इसी को क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ। तो ऐसा तो थोड़ी ना हो रहा है कि ये दोनों हाइड्रोजन का एटम एक दूसरे में, बोलो, पूरी तरीके से धंस जा रहा है, एक दूसरे में धंस नहीं पा रहा, नहीं तो छोड़िएगा तो क्या होता, एक दूसरे में क्या हो जाता, कोलाइड करके एक दूसरे में धंस जाता, फंस जाता एक दूसरे में। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है, क्या ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, इसको जरा सा समझिए। अट्रैक्ट तो कर लेगा एक दूसरे को, पास में भी आ जाएगा, लेकिन बहुत पास में नहीं आ जाएगा, एक दूसरे में चिपक नहीं सकता है, एक दूसरे में धंस नहीं सकता है। क्यों ऐसा होगा, इसको जरा सा समझिएगा, क्योंकि जरूरत से ज्यादा जब ये पास आएगा तो रिपल्सिव फोर्स काम करना स्टार्ट कर देगा। कौन सा रिपल्सिव फोर्स काम करना स्टार्ट कर देगा, ध्यान दीजिए। तो होगा ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन क्या होगा, बोलो, पॉजिटिव पॉजिटिव, क्या हो रहा होगा, ये रिपेल करेगा, क्या करेगा, रिपल्सिव रिपल्सिव फोर्स, समझ पा रहे हो। और यहां पे भी कुछ होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन किसका इलेक्ट्रॉन है, ए का है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव भी क्या होगा, बहुत ज्यादा पास लाओगे तो क्या होगा, रिपेल करेगा, समझ पा रहे हो। तो ब्लू से हम लोग लिखेंगे, ये आपका कौन सा फोर्स है, बोलिए, ये आपका कौन सा फोर्स है, रिपल्सिव, समझ पा रहे हो बात को। तो रिपल्सिव फोर्स की वजह से कुछ डिस्टेंस क्या करेगा, कुछ डिस्टेंस मेंटेन करेगा, समझ पा रहे हो। लेकिन ज्यादा डोमिनेटिंग फोर्स कौन सा है, अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा डोमिनेटिंग है, एक लिमिट के हद तक, उससे ज्यादा अट्रैक्ट अगर होएगा तो फिर क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स उसको ओवरकम करना शुरू कर देगा, समझ पा रहे हो। तो एक लिमिट ही तक क्या होगा, डिस्टेंस मेंटेन करेगा, और जो डिस्टेंस मेंटेन करेगा दोनों एटम, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ बोलेंगे। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम समझ, कोई दिक्कत समझने में, बोलो, इसका प्रोटॉन इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, इसका प्रोटॉन इसको इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, तभी क्या हो रहा है, तभी ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड बना पा रहा है, समझ पा रहे हो बात को। एकदम भाभी जी घर पे है वाला सिचुएशन है कि नहीं। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा।
तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा लिखेंगे इन वीबीटी। ध्यान दीजिएगा, इन वीबीटी टू एटम्स कम टुगेदर देन अट्रैक्टिव फोर्सेस कम इनटू प्ले, दैट इज ओल्डर फोर्सेस पीए ईए एंड पीबी ईबी एंड न्यू फोर्सेस, कौन सा पीए ईबी एंड पीबी ईए, दीज फोर्सेस आर अट्रैक्टिव इन नेचर, मेक होल सिस्टम कम टुगेदर टू फॉर्म बॉन्ड। बट दे आर बट दे फॉर्म बॉन्ड टू ए डिस्टेंस बिकॉज व्हेन दे कम मोर क्लोजर देन रिपल्सिव फोर्स केम, दैट इज पीए पीबी एंड ईए ईबी मेक मेक टू एटम्स टू मेंटेन डिस्टेंस, यानी उसको क्या क्या कहेंगे, बॉन्ड लेंथ कहेंगे। समझ पा रहे हो बात को, कोई दिक्कत तो आपके एग्जाम में ये सब्जेक्टिव एग्जाम में 5 नंबर का दे देता है, ठीक है। तो इसको आप क्या करो, इसको आप ये डबला ये पूरा डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेन करना होगा, बगैर डायग्राम का एक्सप्लेन करिएगा नंबर काट देगा। समझ पा रहे हो, इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखें और कुछ तो इसके अंदर में है, एक चीज और समझिएगा, इन दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने में, मतलब इसको तोड़ने के लिए आपको एनर्जी देना पड़ेगा, कितना
कितना एनर्जी देना पड़ेगा, और फोर 35.8 किलो जूल, फोर 38.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी दीजिएगा, तब क्या होगा, ये टूटेगा किस में, हाइड्रोजन दोनों अलग अलग होगा, समझ पा रहे हो। ये जो बॉन्ड लेंथ, जो डिस्टेंस मेंटेन हो रहा है बॉन्ड लेंथ, वो कितना मेंटेन होता है दोनों के बीच में, 74 पिकोमीटर। बॉन्ड लेंथ कितना है बोलो, 74 पिकोमीटर का क्या है, बॉन्ड लेंथ है। लिख पाओगे एग्जाम में आ जाएगा, द बॉन्ड लेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम सीधे कितना है, 74 पिकोमीटर। ठीक है, ये हमारा बीबीटी यहीं पे कंप्लीट है, 5 नंबर का दे देता है आपके एग्जाम में। देखो बीबीटी, ये जो दोनों साइंटिस्ट लोग थे, ये दोनों साइंटिस्ट लोग कुछ, हाँ सब एटम का अलग अलग है, अब ये सब बात है आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ये बात हम लोगों को पढ़ना है कि सारे एटम्स का जो बॉन्डिंग होता है, देखो बॉन्ड एंथैल्पी हम लोगों को पढ़ना है, तो सबका बॉन्ड का जो टाइप है वो सबका बॉन्ड लेंथ अलग अलग होगा, और बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी खर्चा होगा वो भी क्या होगा, बोलो वो भी अलग अलग होगा। अब यह सवाल है सबका मजबूती क्या होता है, अलग अलग होगा ना। फोर थर्टी फाइव पॉइंट एट किलो जूल बॉन्ड लेंथ एक है ना, बॉन्ड लेंथ कोई दिक्कत। ऊपर कर दे, बना लो पहले, इसको नोट कर लो साइड में। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज को पढ़ते, इसको फिक्स कर लो। अच्छा स्पीड है वो, आ रहा ना वा, चलो अब आ रहा है। तुमको लग रहा है, ऊपर कर दे, बोलो ऐसे, हम बहुत इंसाफ पसंद आदमी है।
पढ़